ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान से कुछ ऐसी चीजें चाहता था जो पाकिस्तान का इमरान खान को नहीं दे रहा। नंबर एक सुनते जाए, नंबर एक यकसा निजाम तालीम के ऊपर उनका एतराज था, ये जो हुकूमत आई इसने खत्म कर दिया। नंबर दो, इस्लामोफोबिया, इसके ऊपर बात करने पे, नापुस रिसालत पे बात करने पे और मुसलमानों के आपस में इत्तफाक पे बात करने पे उनको एतराज था, खत्म कर दिया। रशिया के साथ आप ताल्लुकात नहीं रख सकते, उनको एतराज था, ताल्लुकात खत्म कर दिए। चाइना के साथ आपको अपने ताल्लुकात को महदूद करना है, उनकी डिमांड है। आज सीपैक अथॉरिटी बंद हो गई, सीपैक अथॉरिटी बंद हो गई, चाइनीज वर्कर वापस जा रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी हो गई। पांचवी चीज, वो चाहते थे कि आप इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करें, वो हुकूमत नहीं मानी, रिजीम चेंज हुआ और आज आपका पाकिस्तान टेलीविजन का एंकर, जिसके मुख्तदर हलकों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कहां है? इसराइल के विजन पे। उन्होंने कहा, अगली डिमांड सुने, हमें अड्डे चाहिए और अफगानिस्तान के अंदर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी अड्डे दो जिनको दुनिया में कहीं पर कानूनी चाराजोई के लिए चैलेंज ना किया जा सके। इमरान खान ने इनकार किया, खबर आने वाली है। और आखिरी चीज, आखिरी चीज, उन्होंने कहा कि कश्मीर को भूल जाओ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करो। पिछली हुकूमत ने यह शर्त रखी थी कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के इकदाम वापस नहीं लेता, तब तक हम भारत के साथ ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत में आने के बाद भारत के साथ तिजारत के लिए अपना ट्रेड मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया। भूल गए अपनी बहनों की इज्जत, वहां पे वो लोग मुझसे खेल रहे हैं। भूल गए कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। हमें 75 साल तक जिन लोगों ने हमें ये बताया कि हम कश्मीरियों को आजादी लेकर देंगे, उन्होंने हमारी आजादी छीन ली है, ये हुआ उनके साथ। और मैंने वो सबूत देखे, मैंने, मेरा कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूं, आप लॉयर हैं, मैं साफी हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो रेजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, मैं उसका गवाह हूं और मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं लकीर के उस तरफ खड़ा हूं या अपने आप को न्यूट्रल बनाने की एक गलती करूं। ये बतौर पाकिस्तानी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और वकला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कानून को आप ज्यादा समझते हैं, शऊर आपके पास ज्यादा है, समझ आपको ज्यादा है, बहादुर आप ज्यादा है, दलेर आप जैसा कोई नहीं, पाकिस्तान भी आपने बनाया। अब वापस लेकर दो आजादी, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वापस छीन लो अपनी आजादी, गुलाबी नहीं चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान, थैंक यू। और लाहौर बार का और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।